पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बिल गेट्स यांच्यामध्ये अनेक विषयांवर महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. Indians not only adapting technology but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ. पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं, मेरे मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है. तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है. तो इस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है. और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं. टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं. दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए. और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है. मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ. इन वन ऑफ द थीम्स आई थिंक इंडिया ब्रिंग्स अ टेक्नोलॉजी इज दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, एक्चुअली लिफ्टिंग अप दोस इन who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो. और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुँचाना चाहता हूँ. तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है. महिलाएँ तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में. उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है. मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं. एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँगा और वो भी एक गरीब परिवार से. तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ. ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है. दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ. मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ. गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है. एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये ज़रूरत मैं देखता हूँ. और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है. मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है. वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं. सोचने का तरीका बदल गया है. मैंने अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की. मैंने उनको कहा कि मैं इसमें अपनी मदद करने को तैयार हूँ क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप. अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी. मेरे यहां मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता था. एक को और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है. तो ये मेरा अनुभव, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में. और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे. ये 4था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government
payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those, that's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है. और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई. अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है. वो इतना एडवांस हो गया है. अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है. जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया. मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की. मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया. मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था. यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे. मैंने अभी एक प्रयोग किया. मैं काशी तमिल संगम में एक कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया. मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा. उसी हाउ एम यूजिंग माई नमो ऐप, और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है. ये मेरा फोटो बूथ है. अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे. कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है. तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं. अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो फोटो मांगता था, देते थे. आज मैं कहता हूँ भाई तुम AI पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा. तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए. तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है. जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है. I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा. या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है. मुझे तो ChatGPT के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए. तो मैं AI से आगे जाने की कोशिश करूं. अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, मैं AI को कहता हूँ आप इन बोलियों को पकड़िए. मेरे एस्ट्रोनेट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था,
तो हमारे एस्ट्रोनेट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, तो रॉबर्ट से मैं बात कर रहा था। मैंने रॉबर्ट से काफ़ी बातें की और मैंने देखा को मेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका AI, मैंने 3-4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूँ वो मेरे आवाज़ को सेंस करे और भले ही मैं उसका नाम ना बोलूँ लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूँ। Yeah, it's early days in AI, and I think everyone who uses it, in the same day, you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there, hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए, AI ने जो challenges खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर properly train किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो misuse होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी AI जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये AI जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स AI जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक AI जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं AI से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत हो, मेरी महारत हो और मैं थक गया हूं सो जाऊं वो कर लेगा तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई तुम 5 बजे उसको फोन लगा देना तो AI कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना कर दूँ, मेरे से टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूँ, तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊँगा, टाइम पास कर लूँगा। In the AI world, data is so important, and yet, you know, people have concerns, privacy concerns. How do we strike the balance there? Data एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हमने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। भारत में कानूनी व्यवस्था तो की है लेकिन लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे सर्टिफिकेट क्लाउड में रखवा देता हूँ ताकि खर्चा भी बचता है और जो भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। मेरे यहाँ कंप्लायंसेज की ज़रूरत होती थी, मेरे सारे कंप्लायंसेज की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटा एक क्लाउड पर डाल दीजिए, मुझे आपका आइडेंटिटी दे दीजिए, मुझे जो ज़रूरत है मैं उसमें से ले लूँगा। तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूँ। जीरो सर्विसेज के लिए पहले करता था, अब मैं ईज ऑफ लिविंग के लिए कर रहा हूँ। Yeah, data is definitely, it's going to be very exciting
that will be able to preserve privacy and still learn a lot from the data, you know, like which crop should you plant? If we get all the data from the farmers without their names, so we don't invade their privacy, but giving better farmer advice, or seeing here in India, you know, the top 10% of teachers are so good and saying, okay, what are they doing? And how do we spread that to the other people? Or even if there's some new nutrition approach, you know, sometimes it works and sometimes not. And so because you have the medical record, the ability to kind of track and say, okay, this is working very well or this isn't, you know, we can be a lot smarter without threatening individual privacy. मैं इसको दो तरह, एक हमें कॉमन मैन को भी क्वालिटी डेटा के लिए ट्रेन करना पड़ेगा. हमारे डेटा में क्वालिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. दूसरा, डेटा ओनर को मालूम होना चाहिए कि जो मेरे से डेटा मांग रहा है वो किस काम के लिए मांग रहा है. अगर वो उसके साथ एग्रीमेंट करके उसमें से कमाई करना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए. कि और पहला, उसको प्रायोरिटी रिसर्च के लिए होनी चाहिए. रिसर्च के डेटा की वैल्यू ज़्यादा ना हो, ताकि वरना रिसर्च बहुत महंगा हो जाएगा. और रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट ने भी उसको एश्योरेंस देना चाहिए कि तेरे डेटा का मैं जो उपयोग कर रहा हूँ वो इसी काम के लिए होगा. ये ग्लोबल गुड के लिए है, कॉमन मैन के गुड के लिए है. तो मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग दैट सम ऑफ दीस डिजिटल सिस्टम्स create efficiency by getting rid of the middleman. And you know, that's super beneficial. मैं तो कभी-कभी कहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार चलाना चाहता हूँ, as far as मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसकी जिंदगी से सरकार बाहर निकल जाए, उसकी जिंदगी में सरकार की कोई जरूरत ही ना हो. जो गरीब है, जिसको सरकार की जरूरत है, वहां सरकार भरपूर हो. लेकिन जिसको कोई जरूरत नहीं, बिना कारण सरकार जाकर के उसको कुछ ये लाओ वो लाओ ये करो वो करो करते रहती है, तो वो बंद हो जाएगा. और इसलिए मेरी कोशिश यही है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको करें. In 2015, one of the great things we did together was you came to Paris for that mission innovation. That was fantastic. Yes. क्लाइमेट के संबंध में हम दोनों के विचार एक ही प्रकार के हैं, और आपने बहुत सक्रियता से भूमिका भी अदा की. तो उस समय ओबामा, आप, मैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हम मिले थे, और तब हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी हम इसको वे फॉरवर्ड कैसे ले जाए. लेकिन दुर्भाग्य से वो बात ज़्यादा आगे चली नहीं. लेकिन G20 के बाद क्लाइमेट को लेकर एक वातावरण बना है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी अदा करेंगे. तो जो हमने बीज बोए थे और जिसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो अब कुछ वटवृक्ष के रूप में सामने आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक ऐसा विषय है जरा खुले में जाकर के हम लोग बात करते हैं. If you're ever coming to the United States, I'd love to have you come to Seattle. I'll be happy to come. No, fantastic. Please. Come over yeah. here. Yeah. Is it okay? क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे. भारत, मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हम न्यूक्लियर के अंदर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं. उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा के मेरी जो मूवमेंट है उसको भी बल मिलेगा, एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा. Well, India brings to the
climate change, a rich history of caring about the environment. How do you see connecting those? हमारे यहाँ reuse, recycle, ये हमारे nature में है. अब देखिए ये जो jacket है, ये recycle material का है. लेकिन ये recycle material की भी विशेषता है. इसकी विशेषता ये है, जो tailor के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है. फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है, और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है, और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है. Yeah, the innovation, both here in India and the world is coming along. Are the goals that we set, you know, staying below 1.5 degrees, you know, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. You know, if the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, you know, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. You know, should the rich countries pay for that? It's not fair to tell India to slow down, you know, building basic infrastructure just because the West had those emissions. But you'll have to have some adaptation because there will be some warming, particularly which farmers will have to take into account. मुझे लगता है कि हमने two-pronged strategy की तरफ जाना चाहिए. एक तो है innovation. और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो. भारत ने अभी अपने इस बजट में 1,00,000 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट फंड बनाया है, और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए. 1,00,000 करोड़ रुपया मैंने जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए. तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, और ये वो लाइफस्टाइल. और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है, और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्वीकार नहीं करते, प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं, तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों ना करें, हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ें जोड़ते जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाएं. अब हमारा मुसीबत क्या है, हमारा प्रगति का आंक क्या, तो भाई कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है, कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी मजा. अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा, स्टील कंजम्पशन की कोशिश करेगा, फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा, तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा. मतलब हमने हमारी सोचने के तरीकों बदलना पड़ेगा. जब सोचने के हमारे पैरामीटर, जिंदगी के पैरामीटर, प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए. आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है. बिजली कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है, स्टील कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है. Yeah, I've been interested in your discussions about green GDP. Update me on your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं. हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की. तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूँगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूँगा, मैं इतना पानी बर्बाद करूँगा, मैं ये करूँगा. Now getting consumers involved in this, where they prefer the product that's the clean product when they're buying a car, when they're buying any product, and changing their food consumption. You know, even if they don't go all the way to be a vegetarian, they can eat less beef and more chicken, or less chicken and more fish. You know, they can moderate a bit, and you know, we know that also has some
health benefit as well. Not only that, मैं तो कहता हूँ vegetarian में भी सोचने की improvement जरूरी है. Vegetarian में जैसे millet, मैं UN के साथ मिलकर के millet year मनाया. Millet का फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल बंजर भूमि में millet पैदा होता है. Minimum पानी चाहिए, कोई fertilizer नहीं चाहिए, और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है, ये सुपर फूड है. अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा नुकसान करने वाली है, उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है. Yeah, when I was in Odisha, they were talking about how millet had been popular a long time ago, and then it came out of favor. And now there's a joint program with the foundation, the government, it's coming back up. And they even took me to some shops where the women were there showing these very nutritious, and actually they tasted good to me, millet crops. So that's a good message for the world. मिलेट में इतना बढ़िया प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट में आ गई, और एक प्रकार से उसका वैल्यूएशन हो गया. मैं और कॉमन अब फैशन हो गई, हमारे यहाँ फाइव स्टार होटल में जाइए तो मिलेट का मेनू अलग देते हैं, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड का मेनू अलग देते हैं, और ज़्यादा तो लोग मिलेट मेनू पर, और उसके कारण मेरे छोटे किसान की इनकम भी बढ़ी है और पानी बहुत बचत हो रही है, तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है. Well, during the pandemic, you know, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. Sadly, in many countries, the fear of vaccination and even rumors about vaccines became a big problem. And you had actually very little of that here in India. So I'm curious, how did you manage the communication and why do you think it came out better here? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है. एक तो मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया. ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है. ये पहली मेरी फिलॉसफी थी. दूसरा, मैं डे वन से कम्युनिकेट करने लगा सबसे, डायरेक्ट मेरे देश के लोगों से बात, खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा, सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने. फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ. हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने के प्रयास हुआ, लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है. जब ये विश्वास बन गया कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है औरों की जिंदगी बचे इसमें मदद करनी है, तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया. और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज़ कहता था देशवासियों को, वो मुझे मदद करते, फिर मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उनको लगता था. और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ, तो ये जन आंदोलन बन गया. एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए. ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बहुत बड़ी सफलता, किसी ने मुझे रोका नहीं. आर्थिक रूप से मुझे बहुत बड़ा बोझ आया क्योंकि मुझे वैक्सीन बनाने में रिसर्च करनी थी, फिर विश्वास दिलाना था कि यही वैक्सीन चलेगी, तो मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लेने लगा. और मेरी वो 95 एज की मेरी माँ थी उस समय, मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया, तो मैंने उदाहरण करके दिखाया तो लोगों को भरोसा पड़ा कि भाई ये जिंदगी बचा सकती है. आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ. और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूँ, उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूँ. जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफ़ी पैसे
रिसर्च में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के आसपास अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय नगर पालिका होती थी, उसके मेयर थे और उस समय एक एपिडेमिक की स्थिति पैदा हुई। वैक्सीनेशन करवाना था, कुछ लोगों ने रिलीजियस कारणों से उस समय वैक्सीन लेने से मना कर दिया, रेजिस्ट किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा कड़ाई की और कंपल्सन किया कि भाई मुझे सारे की जिंदगी बचानी है। यानी ये रेजिस्टेंस दुनिया के हर देश में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अगर उसको ओपन अप करके हम करें तो शायद ठीक हो जाता है। तो मैंने सुना है कि आप गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जा रहे हैं, आपने शायद उसके विषय में कुछ पढ़ा होगा, आपने जाने का कार्यक्रम बनाया है तो। Now it's, I'm very much looking forward to that. You know, I understand it's quite grand, much bigger than the Statue of Liberty. so that'll be fun to see, and also to meet some of the women's groups there and hear how they've gotten involved in tourism, or you know, how they see all the work that they do. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये रही थी, भारत को एक करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, यूनिटी में बहुत बड़ा रोल किया। तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की। मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार, उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए। हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए, और वो चाहिए क्या, जिसका कभी न कभी खेत में औजार उपयोग किया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गाँवों से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया, उसको मेल्ट किया और उसका मैंने स्टैच्यू में उपयोग किया है। दूसरा, मैं हर गांव से मिट्टी लाया, उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी बॉल बनाया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का। हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बनानी, उसके लिए मैंने स्टैच्यू बनाया। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज, ऊंचा स्टेज, और कम से कम समय में बनाया। Yeah, I hope they have a video of the construction, because I'm always fascinated that, you know, how do you assemble something like that? इसका पूरा एक मैंने किताब निकाला है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा। Okay. फिर फाउंडेशन स्टोन से लेकर के अब तक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैसा हुआ, उसका डिटेल स्टोरी है, वीडियोग्राफी भी है और बुक फॉर्म में भी है। वो मैं अपनी टीम को बताऊंगा, वो आपको मिले, क्योंकि ये सच में। और मैंने सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वहाँ स्पेशली ले जाता था कि वो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी करे कि इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है, और वो बहुत ही उनका इंटरेस्टिंग था वो। अभी मैंने गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी केबल ब्रिज का उद्घाटन किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। तो मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कहा कि वहाँ जाइए, उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं ये हमेशा इन चीज़ों में चाहता हूँ कि चीज़ें बना करके छोड़नी नहीं है, मैं उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता हूँ, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहता हूँ। So over our careers, you know, technology's gotten so much better. I'm just curious in terms of your journey of using, you know, PCs or phones or different types of software. Was there something that really drew you in, or how, what's that been like? एक तो मुझे पागलपन है टेक्नोलॉजी का, खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी रहती है, बालक की जैसे रहती वैसी रहती है। मुझे बहुत याद है, बहुत पहले मेरे पास एक गैजेट था, हाथ में रखने वाली छोटी सी डायरी थी, अच्छी थी लेकिन थोड़ा बेट था। मैं बहुत साल पहले यूएसए गया था, तो जब यूएसए गया तो मैं कई बड़े मॉल में जाता था, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी वाली दुकान पे जल्दी जाता था। तो मैंने उनको कहा भाई ये इसका लेटेस्ट वर्जन कोई है क्या, तो वो देखता रह गया ये क्या है, बोले अभी तो हमारे देश में ये आया नहीं है, तो ये भी तो अभी आया नहीं, तो अगला वर्जन कहाँ से आएगा। तो मैं इतना एडवांस चीज़ों को ढूंढता रहता था, देखता रहता था, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं हुआ, मैं किसी से बंधा नहीं हूँ, मैं पानी के प्रवाह की तरह नई 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 चीज़ों को खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ,
और कहीं पर मुझे सुनता हूँ तो मैं ले आता हूँ, और शायद मुझे जल्दी से करने का भी शौक है, उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे लाऊं, जल्दी जल्दी कैसे करूं। जैसे एआई दुनिया के चर्चा करने लगी तो मैं एआई के पीछे मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा, मेरा ध्यान किसी चीज़ को देखता हूं उसका मल्टीपल यूटिलिटी क्या होती है, तो मेरी सब फैकल्टी उस पर काम करना शुरू कर देती है। मैं कोई चीज़ देखता हूं तुरंत भी रखना नहीं, ये नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो ये शायद मेरा गॉड गिफ्टेड मेरा नेचर है। जो मैं समझता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनको शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं सुनना बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ज़िंदगी के विषय में जो सुना है कि भाई गैरेज में आपने ज़िंदगी की शुरुआत की और वहाँ से यहाँ पहुँचे, उस जन्म का सबसे संतोषजनक पल कौन सा आया होगा? You know, I'm so lucky. You know, I was born at a time when the chip miracle happened. I got a very good education. I have kind of an optimistic view, you know, so dropping out of school to take risk didn't seem that dangerous to me. I have to say, though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity and, you know, that I could take courses online and all that. And to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them, that's been very gratifying. You know, we still have a lot of limitations, but, you know, in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see, okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. कौन सी किताब होगी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया होगा? Well, I think the one of people are going to read one is Steven Pinker wrote one called The Better Angels of Our Nature. If you learn about the world, you see all the shortcomings. You know, children are still dying, and it can actually, the more you learn, it can seem very bleak. But the truth is, we have made incredible progress. You know, more children are surviving, and so we have to both be upset that it's not good enough, but also understand that incredible progress. And so I thought that book really captures that duality in a brilliant, brilliant way. One question I've always wanted to ask you is, you know, you're one of the hardest working people ever, but I'm just curious, when you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मेरे यहाँ relaxation autopilot है, और वो मेरे जिंदगी को मिली हुई एक spiritual प्रसादी है मेरे गुरुजनों से, जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। काम ज़्यादा कर सकता हूँ करता हूँ, वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरे कमिटमेंट के कारण है। मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूँ, मैं मिशन के लिए जुड़ जाता हूँ, जो इसलिए मुझे और कुछ दिखता नहीं है। तो एक तो ये वो कारण है। दूसरा, मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, आई कैन से बॉडी ट्रेनिंग, जैसे मेरी बहुत कम नींद है, मैं लेट नाइट तक काम कर सकता हूँ, मैं आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। और ये कारण था मेरा, जब एक कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ था, तो उसमें एक हमारी परंपरा रहती थी जो संन्यास्त परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तो करीब वो 3:20-3:40 के बीच में होता है सुबह मॉर्निंग में, तो मैं उन चीज़ों से बड़ा आदि बना हुआ था, तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेंड हो चुका है, और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके कारण ये कमी भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी में लगा रहता हूँ, अपने काम में नया नया करता रहता हूँ, तो ये एक अच्छाई भी है कमी भी है। Well, we've had a fantastic partnership working together, and I see many opportunities to do even more. So
look forward to talking again, whether it's the next time I'm here or hopefully I'll see you in Seattle sometime. मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला. वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला हूँ, मैंने आपका काफी समय भी लिया है हमेशा, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं. आपके मन में गरीबों के लिए कुछ करना, न्यूट्रिशन में कुछ करना, एजुकेशन में कुछ करना, हेल्थ में करना, ये मैंने फील किया है कि आप मन से कमिटेड है. तो मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं, नए, और आज भी आप नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं. आप आराम से जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है. और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है. और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है कि हम दोनों अगर साल में 4-6 बार नहीं मिलते तो कभी महसूस होती है. लेकिन आज आए, आप समय निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपका बहुत आभारी हूँ. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक सर. थैंक यू. थैंक यू. तर आपण पाहिला नुकतंच बिल गेट्स यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधलेला आहे, आणि जी संमेलनामध्ये त्याचबरोबर इतरही विविध विषयांवर त्यांनी या संभाषणामध्ये त्यांच्याशी भाष्य केलेलं आहे. आणि सगळ्यांचंच खरं तर लक्ष वेधून घेणारा विषय महत्त्वाचा होता, तो म्हणजे AI. या विषयावर सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिल गेट्स यांच्याशी बातचीत केलेली आहे.